अगर आप भी भारतीय महिला टीम को बेहतरीन टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय महिला टीम वनडे विश्व कप खेल रही है, जहां भारतीय महिला टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। और पहले मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी में लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पाकिस्तान पर शिकंजा कस लिया। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मिताली राज और हरमनप्रीत कौर में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, न्यूजीलैंड की सरजमीं पर चल रहे वनडे वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच खेला जा रहा है, जिसमें सबसे पहले भारतीय टीम की कप्तानी मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाजी जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा खेलने के लिए उतरी। दरअसल स्मृति मंधाना तो भारतीय टीम के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही हैं, और स्मृति मंधाना भारतीय टीम को बेहतर शुरुआत देने के लिए जानी जाती हैं। तो दूसरी तरफ शेफाली वर्मा, जो लगातार भारतीय टीम के लिए पिछले 2 से 3 सालों में खतरनाक प्रदर्शन करके अपनी टीम में जगह बनाई हुई है, उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद भारतीय टीम को थी। लेकिन शेफाली वर्मा ने पूरी कोशिश करी, लेकिन तीसरे ओवर में शेफाली वर्मा 6 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हो गई, जो भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीप्ति शर्मा आई और इनको भारतीय टीम पार्टनरशिप बनाने के लिए भेजा था, और ऐसा करने में सफल भी हुई। इन्होंने 92 रन की शानदार साझेदारी स्मृति मंधाना के साथ करी और 22 ओवर में स्मृति मंधाना ने पारी को संभालते हुए अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 22 ओवर में दीप्ति शर्मा 40 रन बनाकर आउट हो गई, और फिर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए और भारतीय टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने के लिए भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज आई। लेकिन कुछ समय बाद ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही स्मृति मंधाना 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाकर आउट हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर बल्लेबाज के लिए आई, जिनसे भारतीय टीम को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि वो भारतीय टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हरमनप्रीत कौर 29 ओवर में 5 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा गई, क्योंकि दीप्ति शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। लेकिन अभी भी भारतीय टीम को अपने ऑलराउंडर खिलाड़ियों पर भरोसा था और बल्लेबाजी के लिए ऋचा घोष को भेजा गया। ऋचा घोष ने भी निराश किया और वो भी 31 ओवर में 1 रन बनाकर आउट हो गए, और अब भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज पर आ गई, जो कि दबाव में खेलने के लिए जानी जाती है। लेकिन इस मुकाबले में मिताली राज भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई और मात्र 25 की स्ट्राइक रेट से 9 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन अगर भारतीय टीम को बेहतर स्थिति और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई जाए तो वो कार्य पूजा और राणा ने किया, जिन्होंने शानदार 122 रन की शतकीय साझेदारी की। दरअसल भारतीय टीम के शुरुआती 6 विकेट 114 रन पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद पूजा और राणा ने बल्लेबाजी संभाली और अंतिम ओवर तक 236 रन तक भारतीय टीम को पहुंचाया, जिसमें पूजा ने 8 चौकों की मदद से 63/60 गेंदों में 67 रन बनाए। तो अंतिम ओवर में बल्लेबाजी के लिए गोस्वामी आई और राणा की शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई, जिसमें 49 ओवर में राणा ने लगातार 3 चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें राणा 48 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 53 रन बनाकर नाबाद रही। और दूसरी तरफ पारी की समाप्ति झूलन गोस्वामी ने चौके के साथ करी और 6 रन बनाकर नाबाद रही। और अब पाकिस्तान की टीम को जीत के लिए 245 रन की जरूरत थी और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पाकिस्तान पर अपना शिकंजा कस लिया, जिसमें 11वें ओवर में 70 रन पर पहला विकेट गायकवाड़ ने लिया। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम दबाव में आ गई और पाकिस्तान का दूसरा विकेट दीप्ति शर्मा ने 18 ओवर में लिया, और इसके बाद अगले ओवर में स्नेहा राणा ने पाकिस्तान का तीसरा विकेट गिरा दिया और पाकिस्तान को दबाव में डाल दिया। और इसके बाद मिताली राज ने अपनी शानदार कप्तानी से अपने मेन गेंदबाज को बुलाया और झूलन गोस्वामी ने 22 और 24 ओवर में 1-1 विकेट लेकर पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल जीत से बाहर कर दिया और मुकाबले में जीत के करीब पहुंच गई। और अब पाकिस्तान के 5 विकेट गिर चुके हैं और अब भारतीय टीम को जीत के लिए 5 विकेट की और जरूरत है, और पाकिस्तान को जीत के लिए 23 ओवर में 162 रन की जरूरत है, और इसमें पाकिस्तान की टीम अभी तक 27 ओवर में 85 रन पर 5 विकेट पर बना चुकी है। अब भारतीय टीम जरूर जीत जाएगी। दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।